घर सिर्फ उन्हीं लोगों का खूबसूरत दिख सकता है ना जिनके पास डेकोरेशन के ढेरों सामान है, पर ये सच नहीं है। मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको यह पक्का यकीन हो जाएगा, क्योंकि आज मैं पुरानी साड़ी और कुछ पुराने बर्तनों से अपने घर को डेकोरेट करने जा रही हूँ। ये जो साड़ी है वो मेरी सासू माँ की साड़ी है और कई जगहों से फट चुकी है। इस तरह की जो पुरानी साड़ियाँ हैं वो हम में से सभी के पास होती है। इसे जिस जगह भी डाल दिया जाए वो जगह खूबसूरत हो जाता है। मैंने इसे सोफा कवर के रूप में यूज किया है। देखिए, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और हमारे घर में अधिकतर जो जगह है वो यूज़फुल सामानों से ही भरी पड़ी रहती है। जैसे मेरे लिविंग रूम में ही बड़ा सा ट्रंक है, उस ट्रंक को ढकने के लिए भी मैं पुराने दुपट्टे या साड़ी का यूज़ कर लेती हूँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। घर सजाना एक आर्ट है और हम सब आर्टिस्ट। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारा घर बहुत बड़ा हो या हमारे पास सजाने के ढेरों सामान हो। जैसे मैंने इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए टेबल रनर के रूप में अपने इस पुराने दुपट्टे को यूज किया। इस चॉकलेट बॉक्स का यूज मैंने ट्रे के रूप में किया। दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। अपनी उस खूबी और अपनी उस हुनर को पहचानिए। घर, परिवार और बच्चों की देखरेख करते हुए हमें अपनी हॉबी के लिए भी कुछ समय जरूर निकाल लेना चाहिए। ये जो लीफ आपको दिख रहा है, इसे मैंने अपनी एक पुरानी सूट के स्लीव से तैयार किया था। यदि आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपका जो एक लाइक और सब्सक्राइब है वो मुझे काफी मोटिवेट करता है। मैंने अपने इस चैनल में जीरो कॉस्ट DIY के साथ होम डेकोरेशन के बहुत सारे आइडियाज शेयर किए हैं। यदि आप चाहे तो मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये मेरी एक शीशे की पुरानी मग है, मुझे शादी में किसी ने गिफ्ट किया था। अब इसका कैप टूट चुका है, तो मैंने इसे एक फ्लावर पॉट की तरह यूज किया है और फ्लावर डालने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तक मैंने इस कॉर्नर के मेकओवर के लिए जिन चीजों को भी यूज किया है, या तो वो मेरे DIYs हैं या घर में रखी हुई पुरानी चीजें हैं। यहाँ पर मैंने बिना सिले इस कुशन कवर को तैयार किया। इसके लिए मैंने वेलवेट के इस कपड़े पे कुशन को डाला और दोनों तरफ से इसे इस तरीके से मोड़ दिया। दोनों किनारे के कोनों को इस तरीके से मोड़ते हुए मैंने आपस में इसे फोल्ड कर दिया और बीच में मैंने एक लेस लगाया। लेस लगाने के बाद उसे इस पॉम्पम से थोड़ा डेकोरेट कर दिया और ये मेरा झटपट कुशन तैयार हो गया। आपने इस एक कटोरी दाल को मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। चूंकि मेरे पास कैंडल होल्डर नहीं है, इसलिए मैं इस दाल को एक पुराने ग्लास के अंदर डाल करके कैंडल होल्डर बनाने जा रही हूँ। ये जो दालें होती हैं वो रंग बिरंगी होती हैं और इसके ऊपर जब कैंडल जलता है तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है।